नर्मदा नदी लगातार उफान पर चल रही है, जिसके बाद इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर स्थित मोटका पुल के एक पिलर में दरार आ गई है। नर्मदा का जल स्तर थोड़ा कम होने के बाद बड़वा SDOP विनोद दीक्षित और बड़वा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने पुल का निरीक्षण किया तो पुल के एक पिलर में दरार दिखाई दी। हालांकि नर्मदा नदी के उफान पर चलने के दौरान कल शाम से ही वाहनों पर प्रतिबंध लगाते हुए यातायात के लिए पुल को बंद कर दिया था, लेकिन आज मोरटक्का पुल के निरीक्षण के दौरान पिलर में दरार दिखाई देने के बाद SDOP विनोद दीक्षित ने कहा कि NHAI के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद बड़वा SDM सहित NHAI टीम ने पुल का निरीक्षण किया, मगर काफी देर तक देख परखने के बाद भी अधिकारी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज नर्मदा जी जो ओंकारेश्वर डैम से जब हमारे ज्यादा बारिश हो जाती है तो गेट खुलते हैं, उससे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, खतरे के निशान से ऊपर बहने लगता है। कल शाम को खतरे के निशान से ऊपर पानी चला गया था, इसलिए चूंकि पुल पुराना है तो हम लोग बंद कर देते हैं, तो उसको पुल को आवाजाही बंद की गई थी, उसी का निरीक्षण करने आ गए। आज ज्ञात हुआ है, NHDC से ज्ञात हुआ कि उन्होंने गेट बंद कर दिए, जिससे कि पानी उतर रहा है, तो उसको ये देखने गए थे कितना उतर गया, लेकिन हमने देखा है पुल है उसके एक जो दा दरबार के पहले बड़वा से जाते समय जो पहला उसका पिलर है, सेकेंड पिलर में बड़ी दरार आ गई है, उस संबंध हमने NHAI को लिखा है, उनसे राय लेने के बाद पुल खुलेंगे। TI साहब ने को भेजा है, हमने TI साहब खुद गए हुए हैं, उनसे NHAI वालों से निरीक्षण कराएंगे, निरीक्षण कराने के बाद वो अगर उसको सेफ बताएंगे तो तुरंत उसको खोल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।